بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المجيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد كما تحب وترضى بها تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم से जुदा होने वाली है कुछ अयाम बचे हैं अल्लाह सुभान व तआला के बारे में दुआ करते हैं अल्लाह सुभान व तआला ये बचे हुए अयाम में अल्लाह मुबारक की रहमत है अल्लाह सुभान व तआला के बारे में दुआ करते हैं अल्लाह सुभान व तआला आज के दिन तमाम को भी ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है बड़ी मुबारक रात मुतबर्रिक रात थी एक भी मुबारक है यही वो रात थी जिसमें अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया मदन साहब रही ना हम सुनते ही आ रहे हैं कि कुरान पाक शबे कदर में नाज़िल हुआ दूसरी तरफ ये सुनते हैं कि 23 साल में मुकम्मल हुआ तो शब कदर में नाजिल होना 23 साल में मुकम्मल होना मतलब क्या है फिर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ जब थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ तो कोई जरूरी थोड़ी है किसी को रमजान भी नाजिल होगा अगर और भी महीने थे उसमें भी नाजिल हो गए अगर उसमें भी नाजिल होते थे इस तरह आयशा पर सरकार होते वहां भी कुरान नाजिल होता वो उन अय्याम को मुबारक क्यों नहीं कहा सिर्फ शबे कदर कोई मुतबर्रिक और मुबारक रात हजार घड़ियों से अफजल बताया वजह यह है कि कुरान पाक दो मरतबा नाज़िल हुआ कुरान पाक दो मरतबा नाज़िल हुआ एक मरतबा पहला मरतबा नाज़िल हुआ था वो डायरेक्ट लौही महफूज से बैतुल माकूर पर जो नाजिल हुआ एक बार ही एक साल में पूरा का पूरा कुरान लौही महफूज से बैतुल माकूर में नाजिल हुआ तो वो रात शबे कदर की अब बैतुल माकूर से नबी के सीने में जो उतरा तो वक्तन वक्तन जब जब हस्ब जरूरत जब जब जरूरत पड़ती रही अल्लाह सुभान व तआला बैतुल माकूर से नबी के सीने तक 23 साल में उतारता शबे कदर इसलिए मुबारक रहा क्योंकि अल्लाह ने लौहे महफूज से बैतुल माकूर में जिस दिन कुरान पाक को उतारा रमजान मुबारक की शब 27वीं शब थी जिसे शबे कदर कहते हैं
ऐलान नबुव्वत से सरकार के विसारे जाहिरी तक की जो 23 साल का अरसा है, सरकार के कुरान सुनाने, कुरान के मुताबिक मुआशरे को ढालने में मसरूफ रहे। एक बात यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि 40 साल तक मेरे नबी ने कोई कलाम नहीं फरमाया। 40 साल तक नबी ने कोई कलाम नहीं फरमाया। जब नहीं फरमाया तो मक्के के काफिर नबी को सादिक मानते, नबी को अमीन मानते, अमानतदार मानते, नबी को सच्चा मानते। और सच्चा ही नहीं, फरमाते हैं कि अरब के लोग जब नबी ने नबुव्वत का दावा नहीं किया, ऐलान नहीं फरमाया था, उससे पहले कुफार मक्का नबी को मानते ये थे कि ये साजिद ही नहीं बल्कि ये जिस जगह पे कदम रखे उस जगह से सच्चे पैदा होते हैं। इतने बड़े साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक कुछ नहीं बोले। अगर दूसरी तरफ आइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पंगुड़े में मालूम 2-1 दिन का बच्चा है, पंगुड़े से उंगली निकाल कर फरमाते हैं इन्नी अब्दुल्ला आता है पिता को वजह आगे ने कर दिया। और इधर मेरे पैगंबर को 40 साल तक बोले नहीं दिया था, फरमाया मैं वो नहीं बोलता आपकी मैं नबी, पहले उनको सादिक बन के दिखा, पहले उन्हें अमीन बन के दिखा। और वहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शीर खाने की में फरमाते हैं मैं नबी बन कर आया हूं और अल्लाह ने मुझे किताब दे कर दिया। और यहां पे नबी 40 साल तक बोले नहीं दिया। मेरे मौला, मेरे अपने प्यारे पैगंबर, इसे तू अपना नाम ना कहता है, 40 साल तक ना बोलने दिया, वजह क्या है? अल्लाह तसव्वुर में हमारे फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने महबूब को पहले फरमाया कि महबूब पहले कुरान बन के दिखा, 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना। सुभान अल्लाह, पहले नबी ने कुरान बन के दिखाया, उसके बाद ताकि कुफारे मक्का नबी का किरदार देखते कुरान पाक की आयतें पढ़ते, नबी की सूरत देखते कुरान पाक की आयतें पढ़ते, नबी की सीरत देखते कुरान पाक की आयतें पढ़ते, नबी के सुन्नत मुबारक देखते कुरान पाक की आयतें पढ़ते। इसीलिए अल्लाह ने आलम सबर का हवाले फरमाया कि बंदे मैंने इसलिए बोलने से रोका था ताकि मेरा महबूब कुरान बन के दिखाए, फिर कुरान पढ़ के सुनाए ताकि कुफारों पर इसका असर रहे। अब ये कुरान पाक है क्या? हम इसे आंखों से लगाने, मुंह से चूमने तक महसूस करते हैं। पुराने पाक की अजमत है। फारूक से पूछिए, अभी एक कोई लेडी है तमिलनाडु की, तेलुगु लड़के, तेलुगु औरत है, वो अपने अपने समाज की बहुत बड़ी मुखर है, लिटरेचर स्पीकर थी, हिंदू थी। अभी फिलहाल रमजान में गुमराह हो गई है और उसका नाम सबरीमाला है। अब अपना नाम उन्होंने फातिमा रखा और उन्होंने बयान जारी किया है कि पूरी कायनात में कुरान के तालीम कुरान किया है। ये कुरान ही का सदबा है जो उन्हें आज इस्लाम की तहलीस तक पहुंचाया। आज हमने हमारा किरदार देखेंगे और कुरान के मुताबिक देखिए अपने किरदार को हम कितनी दूर जा चुके हैं। तो कुरान अपने दिल पे हाथ रखे होगी 27 कलाम मुकम्मल होते जा रहे होने जा रहे। कितने हजरात हैं जो कुरान को खोल कर पढ़े होंगे? कुछ हैं इस्लामी भाई जो शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। अगर जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह सुभान व तआला का ये कलाम उस पढ़ने वाले पर तमाम कामयाबियों के दरवाजे खोल देता है, कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक ऐसी किताब है, लायक किताब है
इसका कोई मिसल नहीं, कोई साथी नहीं, इसका कोई मिसल नहीं, कोई साथी नहीं। मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए था? ये मोमिन का किरदार, मोमिन का ये किरदार है, मोमिन की ये शान, एक हाथ में तलवार है तो एक हाथ में कुरान। सामान्य तिजारत, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके थे, हर दर पे झुके सब, ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में बनाए हैं रास्ते, हमने तो समंदर में भी बनाए हैं रास्ते, क्यों हमको मिटाना कोई आसान नहीं, क्यों हमको मिटाना कोई आसान नहीं। और आगे फरमाते हैं कि एक लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, एक लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा। यूं ताकों में सजाने को कुरान नहीं, यूं ताकों में सजाने को कुरान नहीं है। और गुमराह तुम्हें शैतान से पत्थर न मिलेगा, गुमराह शैतान से तुम्हें पत्थर न मिलेगा, हादी तुम्हें कुरान से बेहतर मिलेगा। कुरान ऐसा है कि इतना मुबारक, इतना बेहतरीन जरिया है, रहनुमा है कुरान मेरा, कुरान रहनुमा है मेरा जिंदगी के हर मोड़ पर। कुरान हमारी रहनुमाई करता है, खाने की आदाब सिखाता है, सोने की आदाब सिखाता है, चलने की आदाब सिखाता है, उठने की आदाब सिखाता है, बैठने की आदाब सिखाता है, और इंसान की जिंदगी के तमाम उमूर ये कुरान सिखाता है कि किस तरीके से और किस तरीके से कैसे तुम अपनी जिंदगी को। ये कुरान सिर्फ कुरान ही अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोमिनों के लिए जरिए हयात है, तरीका हयात है। अगर इसे अपना ले ना तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। कुरान पाक एक तस्वीता नामी एक औरत रहती थी, और कुरान की अजमत समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रात गई है और जो दिन है, ये कुरान पाक के नुज़ूल का दिन है। आज हम कितनी दूर जा चुके हैं कुरान पाक से, हमें तौफीक नहीं होती कि कम से कम नहीं पढ़े नहीं सीखे बचपन में, अब बड़े हो चुके हैं, अब किसी आलिम साहब के साथ बैठकर, किसी मौलवी साहब के पास बैठकर कुरान सीख ले। कहते बड़े हो गए हम क्या सीखेंगे यार, सहाबा बचपन में कौन सा कुरान सीखा, किसी ने 50 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया तो किसी ने 30 साल की उम्र में कुरान इस्लाम कबूल किया, किसी ने फिर 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, तो कुरान सिखाने सिखा उन्होंने। आज हम क्यों पीछे चले जा रहे हैं कुरान की तरफ। तस्वीता नाम की एक औरत थी, एक सलाम बिन जुबैर शख्स था जो तिजारत का सामान लेने के लिए शाम गया हुआ था। शाम से सामान तिजारत काफी खरीद लिया, सामान ज्यादा हो गया, अब ले जाए कैसे, तो सोचा कि एक गुलाम है, गुलाम खरीद लेते हैं ताकि वो सामान ले जाने के लिए मेरे काम में आए। वो गुलाम धूप में खड़ा है 14-15 साल का, वो गुलाम है सलाम बिन जुबैर, और वो जो दुनियावी एतबार से जो हुस्न चेहरे की हुस्न की हुस्न होती है, चेहरे की खूबसूरती है, उसमें भी वो खड़ा नहीं उतरता था, कमजोर था। सलाम बिन जुबैर ने सोचा कम से कम कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा सामान ले जाने के लिए, गुलाम खरीद लिया। जब वो अपने वतन पहुंचा तो 2 दिनों में उसका पूरा माल तिजारत सब बिक गया, मगर वो गुलाम रह गया। इंतजार करता रहा कि कोई गुलाम को खरीदे, सब देखते चले जाते, सब देखते गुलाम को चले जाते, क्योंकि इतना खूबसूरत भी नहीं था, इतना फिर ताकतवर भी नहीं था कि कोई उसकी खूबी देखकर उसे खरीदता। सब चले जाते, एक तस्वीता नामी एक औरत को पता चलता है कि सलाम बिन जुबैर ने अपने एक गुलाम को 3 दिन तक धूप में खड़ा रखा है। तो तस्वीता नामी वो औरत आती है सलाम बिन जुबैर को, कहती है मैं गुलाम खरीदना चाहती हूँ, मुंह मांगा रकम देती है और उस गुलाम को घर ले जाती है। लोग ताने देते हैं
कि ये गुलाम किस काम का है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, ये तो देखने में भी इतना खूबसूरत नहीं, ताकत और ये कम सेहत के हिसाब से भी कमजोर है, ये क्या करेगा। तो तस्मीता नामी को औरत कहती है, मैंने इसे गुलाम समझकर नहीं खरीदा, मैंने एक इंसान पर रहम किया कि वो 3 दिन तक धूप में खड़ा है ताकि उसे ठंडी छाऊं। वो गुलाम का नाम सालिम था, हजरत हुज़ैफ़ा, वो भी सामान तिजारत के लिए, सामान खरीदने के लिए जा रहे तो मदीने में पड़ाव किया हजरत हुज़ैफ़ा ने, तो मदीने के लोगों ने हजरत हुज़ैफ़ा को कहा कि इनका यहाँ पे ये मामला आया कि तस्मीता नामी औरत ने एक 3 दिन से नहीं बिक रहा था गुलाम, उस गुलाम को खरीद कर अपने घर रखा है। हजरत हुज़ैफ़ा अपने लिए रिश्ता में तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसके साथ मैं अपना जिंदगी सफर बना सकूं। तो उसमें हजरत हुज़ैफ़ा के दिल में ख्याल आया कि एक खातून लगती है मुझे, एक सीरत खातून लगती है, यह मेरे लिए सही होगा। हजरत हुज़ैफ़ा ने उनके घर रिश्ता भेजा, आप ने कबूल किया, शादी हो गई, कुछ दिन मदीने में रहे और कहा हजरत हुज़ैफ़ा करने अब तो मेरा मकान मक्के में, मैं मक्के का रहने वाला हूँ, बीवी से कहा चले मक्के, बीवी तैयार हो जाती है और साथ में सालिम भी चल पड़ता है। और यह वक्त जो था जब हजरत हुज़ैफ़ा उनकी बीवी और सारे गुलाम जब मक्के पहुंचे तो ये वक्त था मेरे नबी की नबूवत का ऐलान का वक्त था। नबी ने नबूवत का ऐलान कर चुके थे, उस्मान अली मुसलमान हो चुके थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो चुके थे, हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हजरत हुज़ैफ़ा क्लोज दोस्त थे, बेहतरीन अच्छे दोस्त थे वो लोग। जैसे ही हजरत हुज़ैफ़ा अपनी बीवी को और गुलाम को लेकर मक्के पहुंचे, सबसे पहले हजरत उस्मान अल-ग़नी ने सलाम की दावत पेश कर दी, मेरे दोस्त आ जाओ दामन रहमत में, इन अंधेरी से निकल कर उजाले में आ जाओ, आ जाओ इन गुनाहों के दलदल से निकल कर नेकियों की तरफ। नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। जब हजरत उस्मान ने तबलीगी कलमात सुनाए हजरत हुज़ैफ़ा के दिल में आया कि ये क़यामत में अकेले ही क्यों हूँ, मैं अपने पूरे अहले खाना को ले चलता हूँ, अहले खाना को ले चलता हूँ। हजरत हुज़ैफ़ा अपनी बीवी को लेते हैं, सालिम को लेते हैं, दरबारे रिसालत में पहुंच गए, सरकार की बातें सुनी, मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब घर आए तो तस्मीता वो जो औरत थी हजरत हुज़ैफ़ा की बीवी थी वो खड़ा के अपने गुलाम से मुखातिब होती है, सालिम मैंने आज नबी को सुना है, नबी फरमा रहे थे अपने गुलाम के साथ इस तरह से सिला लेने करना, सालिम मैंने सुना है मैं नबी से, नबी फरमा रहे थे अपने माँ के हाथ मुंह के साथ अपने नौकर मुंह के साथ इस तरह से पेश आना है। सालिम आज मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, आज मैंने तुझे आजाद कर दिया। और उस दौर में आजादी बड़ी न्यामत समझी जाती थी, लोग गुलाम थे एक दूसरे के, जब आजाद होते थे तो बड़ी न्यामत समझी जाती थी, मगर जब तस्मीता ने सालिम को आजाद करने की बात की तो सालिम अर्ज करता है कि अब मैं नया शहर है, नया गांव है, नए नए लोग हैं, मुझे आजाद कर रही हो तो मैं किसके दर मैं किसकी दालीज में बैठूंगा। हजरत हुज़ैफ़ा कहते हैं बेशक मेरी बीवी ने तुझे आजाद किया है, मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम अगर ये चाहो तो हमारे घर में रह सकते हो, तो मैं कपड़ा भी दूंगा, खाना भी दूंगा, मगर तुम गुलाम नहीं रहोगे। अब सारे आजाद भी हो गए और खाना भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, रहने के लिए छत भी मिल गया, सारे आजाद है। जब जब हजरत सालिम को वक्त मिलता तो सरकार की बारगाह में जाकर बैठते, अब तो गुलाम नहीं रहे, अब आजाद हो गए। जब जब वक्त मिलता तो सरकार की बारगाह में जाके और कुरान पाक जो नबी पर उतरता हजरत सालिम उसे याद फरमाया करते,
अल्लाह की आवाज भेजी, लहजा बड़ा प्यारा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें उतरती थी, हजरत मेरे प्यारे आका सालिम से कहते, सालिम तेरा कुरान पढ़ के तो सुना। अब सोचे कि सालिम जैसे शख्स से मेरे सरकार कुरान सुन रहे, सालिम सुनो जाना कुरान पाक नबी को सुना दे। अब एक वक्त ऐसा आया कि सालिम कुरान पढ़ रहे हैं, नबी की आंखों में आंसू, नबी की आंखों में आंसू है, नबी की आंखें अश्कबार हो चुकी है। जब हिजरत का वक्त आया, सरकार ने तमाम सहाबा को कहा कि हिजरत करो, चलो मक्के। तमाम सहाबा मक्के चले गए। अभी सरकार को हिजरत का हुक्म नहीं आया, हाफिज बन चुके हजरत साहिब कुरान पाक की तिलावत कायम हो चुकी। जब खुबामत पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, तमाम सहाबा जमा हुए, नमाज का टाइम आ चुका, हजरत उमर फारूक भी जलील अल सहाबी है मौजूद है। जब तमाम सहाबा मौजूद थे, उसी में सालिम गुलाम भी आजाद हो चुका था, कोने में बैठा। हजरत उमर फारूक एक नई इमामत कौन करे, नजर पड़ती है सालिम पर, कहते हैं सालिम आज तू ही हमारी इमामत करेगा। मक्के की यहूदी और नसरानी सोचने लगे, ये वही गुलाम जिसे तीन दिन तक धूप में खड़ा रहना पड़ा, कोई उसे खरीदता न था, आज ये सहाबा का इमाम बन बैठा है। मुतरब साहब ने अर्ज ही करना चाहता हूं कि कुरान और निकाह मुस्तफा ने गुलाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो हमें ईमान तो विरासत में दिया, अगर हम आज कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, तो फिर कुरान हमें कहां से कहां तक पहुंचाए। दर दर के ठोकरें खाते, दर दर के ठोकरें खाते हुए फिरते हैं, लोगों के दहलीज पर जाते हैं हम मांगने के लिए। कुरान हमें अच्छा तरीका सिखाता है, अच्छा तरीका बताता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, ये कुरान पढ़ो तुम्हें शोहरत में भी जाएगी, दौलत में भी जाएगी। अल्लाह के नबी ये हदीसों में इबारत है कि जो भी सुबह सादिक के वक्त सूरतुल बाकिया की तिलावत करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत आ जाएगी, मगर वो कभी पाका नहीं बनेगा, वो कभी भूखा नहीं बनेगा। कुरान से काफी दूर आ चुके हैं, हम कुरान से काफी दूर जा चुके हैं। जो हमारे लिए रहनुमाई का जरिया था, जो हमारा कायद था, जो हमारा रहबर था, जो हमारा रहनुमा था, उसे छोड़ दिया। कुरान पाक लालच किताब है, लालच किताब है। आज स्कूलों में देखिए, स्कूलों में देखिए, नया नया निशान आता है। टेंथ के बच्चों का अगर एक हिसाब आया तो अगले साल उसे फिर चेंज कर दिया जाता है बोर्ड के जरिए। टीचर भी कहती है कि यार ना मैंने तो ये इंग्लिश पढ़ानी सीखी थी, अब ये नया इंग्लिश और अलग से ऐड कर दिया गया। कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ाने वाले, हर साल निशान तब्दील होता है दुनिया का, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान का बदला चाहिए, बदलेगा जमाना ना, मगर कुरान का बदला जाएगा। कुरान 1400 साल से आज तक न उसका हिसाब बदला है न किताब बदला है, हिसाब भी वही है उसके अंदर और किताब भी वही है जो हजरत उस्मान ने तरतीब दिया था, वही किताब हम तक आ पहुंची। ऐसी किताब, ऐसी लालच किताब जिस कौम में मौजूद हो और वो कौम उस किताब से बहस हासिल न करे, तो वो कौम से बड़ा पत्थर कोई कौम नहीं हो सकती। आप देखते हैं ना, अब सभी को मालूम है ये जो खिलाफत उस्मानिया है,
की बुनियाद डाली कैसे गई हमको पता है। अब्दुल के बेटे उस्मान से उस्मानी अब्दुल कहते हैं, इनको गांव वालों ने निकाल दिया, आ गए अपने पीर मुर्शिद के दरबार पर, इसीलिए पीर बनाई, अपना मुर्शिद बनाई, ये रहनुमा है, हमारे हादी है, हर मुसीबत के वक्त हमारे पीर मुर्शिद काम आते, आ गए दरबार मुर्शिद में, पूरा माजरा सुनाया कि गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। पीर साहब ने कहा, मुर्शिद ने कहा, ये मेरा हुजरा है, यहाँ पे आज आराम करो, यहाँ पे आज आराम करो, आराम कर रहे हैं। रात को कुछ बाहर गुजर हजरत उस्मान घर में इस हुजरे में आराम करने के लिए जाते हैं, इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं, तो नहीं खाते, ये चीज नजर पड़ती है सामने कुरान रखा हुआ है, पाओ को समेटते अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, या अल्लाह मैंने जानबूझकर तेरे कलाम की तरफ, मैंने कुरान की तरफ पैर नहीं किया है, या अल्लाह मेरी खता को माफ करो, जानबूझकर करता हूं तो बात समझ में आती है, बेध्यानी में गफलती में पैर कुरान की तरफ आ गया, मेरे मौला मुझे माफ करना, रात भर रोते रहे सोए। और हम क्या करते हैं, कभी माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी कुछ करना रहता है, अगर इस घर में कुरान है, इस घर में कुछ सामान ज्यादा आ गए, अरे कुरान को उठा दो उस दूसरे रूम में डाल दो, इस घर से उठाकर रहमत उस घर में डाल दी जाती है, इस घर से उठाकर बरकत उस घर में डाल दी जाती है, ये घर बरकतों से खाली हो जाता है। हजरत उस्मान के दिल में ख्याल आता है कुरान को उठाकर किसी दूसरे जगह पर रख दूं ताकि सोने में आसान हो जाए, फिर जितना ख्याल आता उस्मान तेरा दिल इतना संत हो चुका है, इतना पत्थर हो चुका है, तो अपनी आराम के खातिर कुरान की जगह को तब्दील करना चाहता है। अभी ये सोच ही रहे थे कि दरवाजे फिर दस्तक होती है, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने पीर मुर्शिद। मेरे आका मेरे मौला ये हुक्म कि रात देर गए आप मेरे हुजरे की तरफ, पीर मुर्शिद कहते हैं मैं सो रहा था, ख्वाब आया, ख्वाब देखता हूँ कि कुरान ने तेरे लिए अल्लाह से सिफारिश की है, अल्लाह तुझे इस खित्ते का बादशाह बनाने वाला है। अल्लाह ने तुम्हें कुरान में सिफारिश की, अल्लाह ने तुझे इस खित्ते का बादशाह बनाने वाला है। उस्मान कहते हैं मुझे इस इलाके का इस खत्ते का बादशाह, मुझे तो मेरे इलाकों ने मेरे इलाके वालों ने भगा दिया। हजरत पीर मुर्शिद कहते हैं नहीं नहीं मैंने ख्वाब देखा, ये बिशारत आई मुझे कि कुरान तेरी ये सिफारिश कर रहा है और अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल करता है और फरमाता है कि कुरान जा, मैंने उस तेरे अदब करने वाले को उस खत्ते का बादशाह बना दूंगा। कायनात ने देखा कि फिर वही उस्मान खिलाफत उस्मान की दुनिया में डालते हैं। ये 1399 यानी 1400 सदी के अवाइल में खिलाफत उस्मान की बुनियाद डाली गई और 1922 में खत्म कर दी गई। तो कुरान एक ऐसी किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं, नबी का मौजिज़ा अब बाकी नहीं है। अगर किसी नबी का मौजिज़ा बाकी है दुनिया में तो मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी का मौजिज़ा जो कुरान की शक्ल है। अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत सारे मौजिज़े दिए, उसमें सबसे बड़ा मौजिज़ा मेरे नबी का कुरान है। ये कुरान तो मैं किताब नहीं, एक पेपर नहीं, एक कागज न समझे इसे, ये मेरे नबी का कुरान, ये नबी के ऊपर उतरने वाला कुरान है और ये मेरे नबी का मौजिज़ा है जो आज हम गुलामों के हाथ।
हैं कि वो जमाने में इकबाल ने बहुत दूरंदेशी से काम किया। इकबाल ने बहुत दूरंदेशी से काम किया। वो कहते हैं कि वो जमाने में मुअज्जज थे, मुसलमान होकर वो जमाने में मुअज्जज थे, मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख के कुरान ने कुरान को छोड़ दिया, सिले हद के जुल्म सितम हमारे ऊपर है। हम सोच रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम दौलत वाले नहीं इसलिए हमारे पर जुल्म हो रहा है, हम हमारा कोई लीडरशिप नहीं इसलिए हमारे पर जुल्म हो रहा है, सोच रहे हैं कि हमारा कोई बड़ा काफिला नहीं इसलिए हमारे पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारे पर जुल्म जो मुसल्लत के हुक्मरान जो हाकिम हो चुके हैं इस जालिम के, सिर्फ इसलिए कि हमने कुरान से दूरी और इश्ते मुस्तफा से निकाल दिया है, की वजह से हमारे ऊपर ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। आपने देखा है कि बदबख्त उठते हैं कुरान को मिटाने के लिए। मुसलमान कसाब का बेटा पैदा हुआ वसीम रज़वी, जो कहता है कि कुरान झूठी किताब है, कुरान नाम की कोई किताब दुनिया में मौजूद ही नहीं, कुरान को मिटाने की बात करता है। मैं कहता हूं जालिमो, तो इस पेपर और कागज को मिटा तो सकते हो, ये लिखी हुई हुरूफ को मिटा तो सकते हो, मगर जिन हाफिजों ने कुरान सीने में महफूज किया उसको कैसे निकालो? उसको निकालने का कोई आला मौजूद है तेरे पास? बदबخت कुरान पाक के गलत तर्जुमे करके लोगों में छाप फैलाया, हिंदुस्तान का अमन खराब कर दिया। कुरान अव्वल में भी चैलेंज किया था, आज भी इन बदबख्तों को, इन सुपरों को, इन कुफारों को, इन कुत्तों को अल्फाज देने का चैलेंज करता है। कुरान का मक्के के काफिर जब कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते तो मक्के के काफिर कहते कि ये तो मोहम्मद अपनी तरफ से सुनाता है, कहानियां करता है। अब ये वाकिया सुनाने से पहले आपको एक चीज की तरफ ले चलता हूं कि कुरान कितना बेहतरीन है, कुरान कितना आला है। मक्का अरब मुल्क है और अरब जो उस वक्त के होते थे आज भी है, उस वक्त के जो अरब लोग होते थे वो शेर और शायरी में बड़ी महारत रखते, शायरी की बारीकियां, शायरी की खूबसूरती अच्छे तरह से पहचानते थे। अरब में जो सबसे अच्छा कलाम लिखता, अच्छा शेर लिखता, जो सबसे आला शेर होता ना, उसके शेर को लिखकर काबे पे लटका दिया जाता था। तो ऐसे सात शोराओं के अशआर को काबे पे लटकाया गया था जिसमें एक नबीद नाम का शायर भी था, जिसने ऐसा कलाम लिखा कि उसके कलाम को अरब ने रेशमी कपड़ों पर सोने के पानी से लिखकर काबे पर लटकाया था। आकाश के मेले में लबीद के शेर को पढ़कर जितने शायर थे सबने उसे सजदा किया था, लबीद को सबने सजदा किया था, यार तूने इतना आला कलाम, इतना बेहतरीन कलाम, इतना बेमिसाल कलाम लिखा है, सजदा किया था। अगर अभी तक सजदा कर रहे हैं इधर मेरे नबी पर सूरतुल कौसर उतारी जा रही है, इसी सहाबी ने सूरतुल कौसर को लिखकर लबीद के शेर के करीब में काबे में लटका दिया। जब लबीद का हुसर हुआ उधर से तो देखा कि मेरे शेर के साथ किसी और का कलाम भी लटका है, किसने जुर्रत की मेरे शेर के साथ अपना कलाम लटकाने की? वो लबीद सोचा कि करीब जाकर तो देखो कि किसका कलाम है। जब करीब गया और सूरतुल कौसर की तिलावत की तो अपना शेर, अपना तख्ता उठाकर फेंक दिया और कहा कि मा हाजल
कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। कहकर उसने पांव तले रोंदा उसे फेंक दिया अपने साथ, और अल्लाह के महबूब पर उतरने वाली वो छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौम की पूरी आयत काबे में लटका रहा। और दरबार रिसालत में आए नबी उस वक्त कुफर मचे, कुरान सूरत अल-कौसर की तिलावत की और कहा कि माहदा कलाम और बेशक एक किसी इंसान का कलाम नहीं। दरबार रिसालत में आए और कलमा पढ़ के मुसलमान। एक वक्त ऐसा आया, कुछ वक्त गुजरा, सहाबा ने पूछा नबी कोई कलाम लिखा है तूने, कोई शेर लिखा है? तो नबी कहते हैं जब से मैंने कुरान की तिलावत शुरू की है मैंने शायरी भूल गया। मैंने जब से कुरान की तिलावत शुरू की कुरान की हलावत में सीने को उतरने लगी, कुरान की चाशनी में जबान को लबरेज करने लगी, तो कुरान के पढ़ने की वजह से मैं इतना सरशार हो गया कि मुझे कलाम लिखने की फुर्सत नहीं। मुसलमान हो कुफ्र समझकर कुरान को मुसलमान होते हैं, और हम ये हाजी है मेरा, ये रनबा, ये रबर, ये काई है मेरा कुरान, हम कितने दूर जा चुके हैं कुरान पाक से। आज आज लड़के उठे जो बचपन में कुरान की तिलावत कुरान पढ़ना न सीखे, आज भी वक्त है पढ़ना सीखे। मस्जिद के इमामों के पास आए, मस्जिद के वासिलों के पास आए, अपने कुरान को ठीक करें, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता करें। यही आरज़ू है कि तालीम में कुरान हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमारा ये तालीम है, हम यही चाहते हैं कि कुरान घर घर में, कुरान सीने सीने में हो, एक एक सीने में कुरान उतर जाए, हम ये चाहते हैं। अल्लाह सुभान व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह सुभान